अस्सलाम वालेकुम, इंस्ट्रूमेंट सॉल्यूशन चैनल से मैं हूँ तुहिन। तो इधर आप एक एनालाइज़र देख रहे हैं, ये है हमारा सोडियम का एनालाइज़र है। तो ऐसा सेम टाइप का हाइड्रोजन का एनालाइज़र भी रहता है। ये है थर्मोसिंथेटिक ओरियन 2111 मॉडल का एक एनालाइज़र है। तो ये एक्चुअली हमारा पास सोडियम एनालाइज़र है। तो ये सोडियम एनालाइज़र और हाइड्रोजन एनालाइज़र को कैलिब्रेट आप लोग कैसे करेगा आज का वीडियो में वही आपको दिखाने के लिए ट्राई करूँगा। तो एक्चुअली ये दोनों जो एनालाइज़र है, दोनों एनालाइज़र का कैलिब्रेशन प्रोसीड्यूर सेम ही है। आपको जस्ट मैं एक को देखा दे रहा हूँ। तो ऐसा मॉडल का जितना एनालाइज़र है आप सबको कैलिब्रेट कर सकता है। तो पहले मैं हाइड्रोजन एनालाइज़र का कैलिब्रेट करेंगे, देन हाइड्रोजन का करने के बाद सोडियम का करेंगे। तो चलिए हाइड्रोजन एनालाइज़र के पास आपको लेके जा रहा हूँ। तो ये है हमारा पास हाइड्रोजन एनालाइज़र का पूरा सिस्टम है। इधर आप जो देख रहे हैं, तो देखिए इधर से हमारा सैंपल आ रहा है। ये सैंपल का इनलेट लाइन है। सैंपल आने के बाद ये ट्यूब का थ्रू होकर इधर एक वाल्व है, देन वाल्व से रोटामीटर में जा रहा है। देन रोटामीटर होकर हमारा हाइड्रोजन का जो रिजेंट है, ये रिजेंट का बॉटल में जा रहा है। देन इधर से आउट होके हमारा आ रहा है ये सेंसर का पॉट में। इधर दो सेंसर यूज़ हुआ, एक है हाइड्रोजन का सेंसर और दूसरा है हमारा टेम्परेचर के लिए। मीन्स आप इधर देख रहे हैं 25.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना देखा रहे, और हमारा हाइड्रोजन का वैल्यू है 146 ppb इतना देखा रहे। तो इधर सामने आप एक LED देख रहे हैं। ये LED नॉर्मल कंडीशन में ग्रीन कलर रहेगा, देन फिर कुछ वार्निंग आएगा तो फिर येलो कलर हो जाएगा, और हमारा कैलिब्रेशन का डेट एक्सपायर हो जाएगा फिर रेड कलर हो जाएगा। तो हमारा इधर एक्चुअली ये LED अभी रेड कलर हो गया, क्योंकि अभी कैलिब्रेट करने के लिए ये दिखा रहे। और ये LED देख के आप पता कर सकते हैं आपका एनालाइज़र का कंडीशन अभी क्या है। एक्चुअली आपको हर एक या डेढ़ महीना बाद में हमारा जो एनालाइज़र है, ये एनालाइज़र को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए हाइड्रोजन एनालाइज़र को आप लोग कैसे कैलिब्रेट करेगा ये देखा के हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ बटन देख रहे हैं। तो कैलिब्रेट के लिए पहले हम लोग को इधर कैलिब्रेट का ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देन कैलिब्रेट को जाने के बाद इधर हमारा ऑफलाइन पे आना पड़ेगा। डाउन बटन को प्रेस करके करने के बाद हमारा ऑफलाइन आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग के ऑफलाइन पे कैलिब्रेट करना पड़ेगा, फिर इंटर बटन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। देन इधर हमारा लिखा आएगा मेजरिंग सैंपल, देन 1 मिनट 2 मिनट ऐसा एक्चुअली ये टाइम लगा एनालाइज़र। एक्चुअली ये हमारा जो सैंपल है, ये सैंपल को मेजर करने के लिए वो थोड़ा टाइम मांगेगा, तो हम लोग को थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा। तो देखिए एनालाइज़र का सैंपल मेजरिंग हो गया, अभी हमारा एनालाइज़र लैब टेस्ट मांग रहा है। मीन्स हम लोग को लैब में एक्चुअली इसका वैल्यू कितना है वो मेजर करके लेके आना पड़ेगा। तो मैं इधर सैंपल का जो ड्रेन लाइन है, इधर से सैंपल कलेक्ट करके लैब में लेके गया था, फिर उधर से सैंपल का एक्चुअल वैल्यू कितना है वो लेके आया। अभी फिर से हम लोग को इंटर बटन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रेस करने के बाद हमारा एनालाइज़र होम पे चला जाएगा, मीन्स नॉर्मल डिस्प्ले में चला जाएगा। फिर से हम लोग को एक बार कैलिब्रेट में जाना पड़ेगा। देन जाने के बाद इधर ऑलरेडी ऑफलाइन है, ऑफलाइन नहीं है तो आप ऑफलाइन कर लीजिए इसको, फिर इंटर कर दीजिए। तो हमारा लैब एनालिसिस का जो रीडिंग है इसको अभी इधर इनपुट करने के लिए बोल रहा है। तो इधर से मैं जो सैंपल लेके गया था, ये सैंपल का वैल्यू मिला था 148। अभी मैं इधर 148 डाल दूँगा। डालने के बाद इधर इंटर बटन है, इंटर कर दूँगा। फिर इधर कितना मिलीवोल्ट है वो मिलीवोल्ट इधर आ जाएगा। फिर हमारा एक्चुअली कैलिब्रेट ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो होम है, होम पेज में चला जाएगा। ये हमारा नॉर्मल डिस्प्ले है, और इधर जो LED आप देख रहे हैं, LED ग्रीन हो गया। मीन्स हमारा जो कैलिब्रेट है, कैलिब्रेट कम्प्लीट हो गया। तो एक्चुअली बहुत ही ईजी है इसका कैलिब्रेशन प्रोसीड्योर। तो आप लोग चाहिए तो हमारा सोडियम और हाइड्रोजन एनालाइज़र को ऐसा तरीका से कैलिब्रेट कर सकते हैं। और ये एनालाइज़र का कैलिब्रेट लेके मेरा बंगाली में एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहिए तो एक बार देख सकते हैं, फिर इसके बारे में भी आपका अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो ठीक है, मेरा लगता है आज का वीडियो में सोडियम
एंड हाइड्रोजन एनालाइजर को आप लोग कैलिब्रेट कैसे करेगा ये आपको मैं अच्छे से समझा दिया। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे के मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर ऑन कर दीजिए। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो एवरी मंडे में वो भी आपको मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।